आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों प्रणाम। मेरी तरह यदि आप भी कहीं सफर पर निकल रहे हैं तो आपका भी मन होगा कि हम बोतल बंद पानी साथ में लेकर के जाएं, ताकि रास्ते में कहीं खराब पानी पीने और बीमार होने से बचें। लेकिन आपको बता दूं, यह बोतल बंद पानी बहुत ही खतरनाक है। पानी के नाम पर आप जहर पी रहे हैं। बोतल बंद पानी की उपलब्धता और उसे सफर में साथ रखना जितना आसान है, उसे पीना उतना ही सेहत के लिए हानिकारक है। दुनिया भर में इस पानी की गुणवत्ता को लेकर के बेहद चौंकाने वाले खुलासे होते रहे हैं, किंतु इस बार जो खुलासा हुआ है वह और भी ज्यादा डराने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस सिलसिले में जो अध्ययन किए हैं उनसे भी साफ हुआ है कि नल के मुकाबले बोतल बंद पानी ज्यादा प्रदूषित और ज्यादा नुकसानदेह है। इस पानी में प्लास्टिक के कणों के अलावा खतरनाक बैक्टीरिया इसलिए पनपे हैं क्योंकि नदी और भूजल ही दूषित हो गए हैं। इन स्रोतों को प्रदूषण मुक्त करने के कोई ठोस उपाय नहीं हो रहे हैं, बावजूद बोतल बंद पानी का कारोबार सालाना 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है। न्यूयॉर्क की स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधार्थी ने अपने अध्ययन में पाया था कि 90% बोतल बंद पानी में प्लास्टिक के बारीक कण घुले हुए हैं। इनमें दुनिया के 9 देशों के 11 नामी ब्रांड शामिल हैं, जिनमें भारत की बिस्लेरी, एक्वाफिना और इवियन जैसी कंपनियां भी हैं। इन ब्रांड की 269 बोतलों के निरीक्षण में पाया गया है कि इस पानी में 90% पानी पीने लायक ही नहीं है। ये नमूने दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता समेत दुनिया के 19 शहरों से लिए गए थे। इन बोतलों के 1 लीटर पानी में 10.4 माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए गए हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक अवस्था है। यह पानी नल से मिलने वाले पानी की तुलना में भी प्लास्टिक अवशेष से मिले होने के कारण 2 गुना खराब है। इन अवशेषों में पॉलीप्रोपाइलिन, नायलॉन और पॉलीइथाइलिन टेरेपथालेट शामिल है। इन सबका इस्तेमाल बोतल का ढक्कन निर्माण करते वक्त किया जाता है। बोतल भरते समय ही प्लास्टिक के कण पानी में विलय हो जाते हैं। असम सरकार ने सितंबर 2019 में बिस्लेरी के पानी को मानव जीवन के लिए खतरनाक मानते हुए इस पर रोक भी लगा दी थी। तब सरकार ने इसके पानी में भारी मात्रा में फ्लोराइड पाया था। इस संबंध में तत्कालीन सरकार ने 12 सितंबर 2019 को नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार भी सभी सीमाएं लांग चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियों का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, साधारण इंसान का सब कुछ बिगड़ सकता है। प्रचार माध्यमों के जरिए बोतल बंद पानी को पेयजल स्रोतों से सीधे पानी की तुलना में सेहत के लिए ज्यादा सुरक्षात्मक विकल्प बताया जाता है। विज्ञापनों के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, किंतु नए अध्ययनों में इसे खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में विभिन्न ब्रांडों का जो बोतल बंद पानी बेचा जा रहा है वह शरीर के लिए हानिकारक है। इसकी खराब गुणवत्ता, इसे शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे रसायनों से भी खराब होती है। भारतीय अध्ययनों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस सिलसिले में जो अध्ययन किए हैं उनसे भी साफ हुआ है कि नल के मुकाबले बोतल बंद पानी ज्यादा प्रदूषित और ज्यादा नुकसानदेह है। इस पानी में प्लास्टिक कणों के अलावा खतरनाक बैक्टीरिया इसलिए पनपे हैं क्योंकि नदी और भूजल भी दूषित हो गए हैं। इन स्रोतों को प्रदूषण मुक्त
करने के कोई ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं। ऐसी पुख्ता जानकारियां कई अध्ययनों से आ चुकी है। हालांकि अब इस तरह के इतने अध्ययन आ चुके हैं कि न तो किसी नए अध्ययन की जरूरत है और न ही इन पर अविश्वास करने की जरूरत है। पंजाब के बठिंडा जिले में हुए एक अध्ययन से जानकारी सामने आई थी कि भूजल और मिट्टी में बड़ी मात्रा में जहरीले रसायन घुले हुए हैं। इसी पानी को पेयजल के रूप में इस्तेमाल करने की वजह से इस जिले के लोग दिल और फेफड़ों से संबंधित गंभीर बीमारियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश और बिहार की गंगा के तटवर्ती इलाकों में भूजल के विषाक्त होने के प्रमाण सामने आए थे। नरोरा परमाणु संयंत्र के अवशेष इसी गंगा में डाल करके इसके जल को जहरीला बनाया जा रहा है। कानपुर के 400 से भी ज़्यादा कारखानों का मल गंगा में बहुत पहले से प्रवाहित किया जा रहा है। गंगा से भी बदतर हाल में यमुना है, इसलिए इसे मरी हुई नदी कहा जाने लगा है। यमुनोत्री से लेकर के प्रयाग के संगम स्थल तक यह नदी करीब 1400 किलोमीटर का रास्ता नापती है। इस धार्मिक नदी की यह लंबी यात्रा एक गंदे नाले में बदल चुकी है। इसे प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इस पर अभी तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन बदहाली झसकी तस है। गंदे नालों के प्रणाले और कचरों के ढेर, इसमें बहाने का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। यमुना में 70% कचरा दिल्ली वासियों का होता है, रही सही कसर हरियाणा और उत्तर प्रदेश पूरी कर देते हैं। गंदे पानी को शुद्ध करने के लिए लगाए गए संयंत्र अपनी क्षमता का 50% भी काम नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि मथुरा के आसपास के इलाकों में यमुना के प्रदूषित पानी के कारण चर्म रोग, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां लोगों के जीवन में पेट बना रही है। पशु और फसलें भी अछूते नहीं रह गए हैं। जांचों से पता चला है कि इस इलाके में उपजने वाली फसलें और पशु चारा जहरीली है। उत्तरी बिहार की फल्गु नदी के बारे में ताजा अध्ययनों से पता चला है कि इस नदी के पानी को पीने का मतलब है मौत को घर बैठे दावत देना। जबकि सनातन हिंदू धर्म में इस नदी की महत्ता इतनी है कि गया में इसके तट पर मृतकों के पिंडदान करने की उनकी आत्माएं जो है भटकती नहीं है, ऐसा माना जाता है, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लीजिए बोलिए, भगवान राम ने अपने पिता दशरथ की मुक्ति के लिए यही पिंडदान किया था। और बोलिए, महाभारत युद्ध में मारे गए अपने वंशजों का पिंडदान युधिष्ठिर ने भी यही किया था। और ऐसी महत्व वाली नदी की यह दुर्दशा है। वायु पुराण के अनुसार फल्गु नदी भगवान विष्णु का अवतार है। इस नदी के साथ यह दंत कथा भी जुड़ी है कि एक समय यह दूध की नदी थी, लेकिन अब यह बीमारियों की नदी बन गई। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा भी प्रदूषित नदियों की श्रेणी में आ गई है। जबकि इस नदी को दुनिया की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं के विकास में प्रमुख माना जाता है, लेकिन औद्योगिक विकास की विडंबना के चलते नर्मदा घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत इस पर 3000 से भी ज्यादा छोटे बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। तय है पानी का बड़ी मात्रा में दोहन नर्मदा को भी मौत के घाट उतार देगा। नर्मदा सागर, महेश्वर और ओंकारेश्वर जैसे बड़े बांध बनने के बाद इसकी अविरलता खत्म हो गई है। जहां वो अविरल रूप से बहती रहती थी और बहता पानी निर्मला, तो वो अब रुक गया है, ठहराव हो गया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके उद्गम स्थल अमरकंटक में भी यह प्रदूषित हो चुकी है। तमाम तटवर्ती शहरों के मानव मलमूत्र और औद्योगिक कचरा इसी में बहाने के कारण भी यह नदी तिल तिल करके मरना शुरू हो गई। भारतीय प्राणी शास्त्र सर्वेक्षण द्वारा किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि यदि यही सिलसिला रहा तो इस नदी की जैव विविधता 25 साल के अंदर पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इस नदी को सबसे ज्यादा नुकसान वे कोयला विद्युत संयंत्र पहुंचा रहे हैं जो अमरकंटक से लेकर के खंबात की खाड़ी तक लगे हैं। इन नदियों के पानी की जांच से पता चला है कि इनके जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन
pH, BOD, अल्केलिनिटी जैसे तत्वों की मात्रा जरूरत से ज़्यादा बढ़ रही है, ऐसा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का खेती में अंधाधुंध इस्तेमाल और कारखानों से निकलने वाले जहरीले पानी व कचरे का उचित निपटान न किए जाने के कारण हो रहा है। बीते कुछ सालों में GM बीजों का इस्तेमाल बढ़ने से भी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की जरूरत बढ़ी है। ये सारा का सारा एक षड्यंत्र है, किस तरह से इस ऐसे बीज बनाए जाएं कि जिससे इन उर्वरकों और रासायनिक चीज़ों की जरूरत पड़े और खेती में ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उपजे, लेकिन वो अनाज जहरीला है, कैंसर कारक है और इसीलिए आजकल लोग गेहूँ छुड़वा रहे हैं। विडंबना है ये, अधिक उत्पादन के चक्कर में, अधिक पैसा कमाने के चक्कर में लोगों को जहर खिलाया जा रहा है और जहर पिलाया जा रहा है। यही रसायन मिट्टी और पानी में घुल करके बोतलबंद पानी का हिस्सा बन रहा है, जो शुद्धता के बहाने लोगों की सेहत बिगाड़ने का काम कर रहा है। मैं अभी 13 और 14 को नाकोड़ा तीर्थ यात्रा के लिए निकला तो रास्ते में जितने भी तीर्थ थे रास्ते में, उनके दर्शन करते हुए जब पहुंचे तो साथ में बिसलेरी की बोतलें ली, इसलिए ली कि भाई चलो पानी कहीं पर भी उल्टा सीधा पीने में ना आ जाए, बीमार ना हो जाए। लेकिन जब मैंने ये पानी पिया तो मेरी प्यास ही नहीं बुझ रही थी, और इस प्यास नहीं बुझ रही थी वो तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ खाना भी नहीं खा सका, क्योंकि जैसे ही वो पानी पीने के कारण जैसे ही कुछ खाना पेट में डालने की कोशिश करता, कवा निगलने की कोशिश करता, उबा के आने लग गए थे, और ये पानी पीने से भी उबा के आने लग रहे थे। तो पानी बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है खराब। कीटनाशक के रूप में उपयोग किए जाने वाले एंडोसल्फान ने भी बड़ी मात्रा में भूजल को दूषित किया है। केरल के कसारगोड जिले में अब तक 1000 लोगों की जाने जा चुकी है और 10,000 से ज़्यादा लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में हैं इसी पानी के कारण और इसी सारी चीज़ों के कारण। हमारे यहाँ जितने भी बोतलबंद पानी के संयंत्र हैं वे इन्हीं नदियों या दूषित पानी को शुद्ध करने के लिए अनेक रसायनों का उपयोग करते हैं। प्रक्रिया में इस प्रदूषित जल में ऐसे रसायन और विलय हो जाते हैं जो मानव शरीर में पहुँच करके उसे हानि पहुँचाते हैं। इन संयंत्रों में तमाम अनियमितताएं पाई गई हैं, अनेक बिना लाइसेंस के पेयजल बेच रही हैं, तो उनके पास भारतीय मानक संस्था का प्रमाणीकरण भी नहीं है। यह हाल है, जगह जगह हर जगह आप देखिए आपको हर जगह मिल जाएगी ऐसी बोतलें की जिनका कोई लेना देना नहीं प्रमाणीकरण से या सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं। जाहिर है इनकी गुणवत्ता संदिग्ध है। गोया बोतलबंद पानी में एक तो नदियों का दूषित पानी भरा जा रहा है, दूसरे बोतल के ढक्कन से इस पानी में प्लास्टिक के कण भी घुल रहे हैं। इस कारण इस पानी की जांच में इसे प्रदूषित पाया जा रहा है, तो इन जांचों में शक या अविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं। हमने जिन देशों से औद्योगिकरण का नमूना अपनाया उन देशों से यह नहीं सीखा कि उन्होंने अपने प्राकृतिक संसाधनों को कैसे बचाया। हम तो अपने प्राकृतिक संसाधनों का ही दोहन कर रहे हैं और उन्हें बिगाड़ रहे हैं, उन्हें प्रदूषित कर रहे हैं, उन्हें खत्म कर रहे हैं। यही कारण है कि वहाँ की नदियाँ, तालाब, बांध हमारी तुलना में ज़्यादा शुद्ध और निर्मल है और हमारे यहाँ सारे के सारे प्रदूषण के शिकार हैं। स्वच्छ पेयजल देश के नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसे साकार रूप देने की बजाय केंद्र और राज्य सरकारें जल को लाभकारी उत्पाद मान करके चल रही है। देखिए विडंबना, यह स्थिति देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बरसाती पानी के संग्रह के लिए प्लास्टिक के तालाब खेतों में बनाए जा रहे हैं। जाहिर है इससे खेत खलियान, अनाज और पेयजल सब कुछ जहरीले होंगे और दुर्भाग्य से यह काम सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। ये एक बड़ी दुखद बात है। प्रकृति की ओर लौटे बिना कुछ नहीं हो सकता, प्रकृति को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी ही होगी, अन्यथा अकाल मृत्यु की संभावनाएं सामने खड़ी है। इसलिए मैं बार बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटिए ताकि जनजीवन बच सके और जिस उद्देश्य के लिए जीवन मिला है
उस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। धन्यवाद। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो बोतलों का पानी पीना छोड़िए, लाइक करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने की प्रेरणा करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों में जागरूकता आए प्रकृति की ओर लौटने का। मेरा तो संकल्प है और मैं उस दिशा में काम करने का प्रयास भी कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा ऐसा एक ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा है, लेकिन कब क्या होगा अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरी कोशिश है जब तक मैं जीऊँगा जागरूकता तो कम से कम लाता रहूँगा। आप भी कोशिश करिए, हमारे इस कार्य में सहयोगी बनिए। धन्यवाद।